हेलो बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। आज अगला पाठ लेकर के उपस्थित हूँ, पाठ 8। नाम है शाम एक किसान और कविता है ये, कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। थोड़ा सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय भी हम लोग समझ लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में, कितना, 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार का और कवि भी थे, साहित्यकार भी थे और कवि भी थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक, कहानियां भी लिखी और इनकी लिखने की जो कला थी, इनकी कृतियां को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जितने भी ये साहित्य लिखे, नाटक लिखे, कहानियां लिखे, इन सभी को अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर चुका गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे खुटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता, ये सब इनकी मुख्य कृतियां हैं। खुटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, 1983 में। तो ये था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के संबंध में। अब हम लोग कविता का कुछ लाइन पढ़ करके और उसका भावार्थ या उसका सारांश जानने की कोशिश करते हैं। कविता का पहला पंक्ति क्या है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भैरों के गले सा। क्या कहता है कवि इस पाठ में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं इस पाठ में, इस पंक्ति में क्या, अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय, जब शाम होता है उस समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन अपने हिसाब से प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हैं इस पंक्ति में। कहते क्या हैं, उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। कौन दिख रहा है, पहाड़। जब शाम का समय होता है तो शाम के समय में जैसे अंगीठी जला करके और कोई अंधेरे में बैठता है, ठीक उसी तरह से वो पहाड़ दिखाई दे रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। जैसे पगड़ी यानी माथे पर कुछ ऐसे कपड़े लोग बांध लेता है तो आसमान जो है नीचे तो अंधेरा हल्का सा हो गया पहाड़ से, लेकिन ऊपर वो पगड़ी सफेद चादर सा दिखाई देता है, लेकिन है नहीं आसमान। पलाश के पैरों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे। वो फूल जो है पलाश का, वो क्या दिखाई, कैसा दिखाई दे रहा है, दूर से देखने में कैसा लग रहा है, तो जैसे अंगीठी जलता हो, आग जलता हो, तो आग का जो जलने का रोशनी है वो दूर से जो दिखाई देता है उसका उजाला, वो दिखाई दे रहा है अंगारे की तरह, आग की तरह दिख रहा है। और पूर्व में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भैरों की तरह प्रतीत हो रहा है। और छोटा बड़ा पहाड़ या पेड़ जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे आग जला करके चारों तरफ से तीन चार आदमी
बैठा हुआ हो। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चीलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। जब सूर्यास्त होने का समय होता है तो सूर्यास्त होने के समय में जैसे कोई कोई वस्तु के ऊपर में आग रख करके और दूर से देखता है, ठीक वैसे ही एक चीलम है, वो चीलम के ऊपर में आग रख करके रखने से वो दूर से देखने में जैसा लगता है, ठीक सूरज भी वैसा ही लग रहा है। चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई है। शाम का समय है, चारों तरफ कैसा बिल्कुल शांत सा दिख रहा है, कुछ आवाज नहीं है। और मन ही मन इस दृश्य को कवि अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है। अब अगला पंक्ति में देखते हैं कवि का क्या कहना चाहता है। अगला पंक्ति क्या है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बिल्कुल इसका अर्थ भी इस पंक्ति में पूरा मालूम पड़ता है। क्या कहता है सक्सेना जी, शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। जो सन्नाटे, जो अंधेरा होने वाला था और वो अंधेरा होने ही वाला है, हुआ नहीं है, होने ही वाला है और बिल्कुल शांत है, वो अचानक खत्म हो जाता है, अशांत हो जाता है। वो कैसे, चारों तरफ छाई शांति के बीच क्या होता है, अचानक एक मोर बोल पड़ता है। कौन बोलता है, मोर, मानो कोई पुकार रहा। सुनते हो, आवाज उसका कैसा आ रहा है, सुनते हो, फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। जैसे ही उसका आवाज सुनता है तो वो बिल्कुल अलग एक घटना से बदल जाता है, शांत हो जाता है। जैसे सूरज की चीलम किसी ने उलट दी हो, घबराहट में जैसे कुछ सोच रहा है, अचानक पीछे से कोई आकर के बोलता है, घबरा जाता है, डर जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे उस चीलम था, वो आग यानी वो सूरज जो डूबने वाला था, तो अचानक वो नीचे चला गया तो लगता क्या है, वो गिर गया। जलती आग बुझने लगी और धुआं उठने लगा हो, असल में सूरज डूब रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। इसलिए ये मन में ऐसे कवि को आया जो कि ये इस तरह जैसे चीलम से आग नीचे गिर गया हो और सूर्यास्त, असल में होता क्या है, सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा छप जब छा जाता है तो बिल्कुल शांत सा प्रतीत होता है, तो वो वही हुआ था। लेकिन अपने कविता के माध्यम से पंक्ति में क्या बताने की चेष्टा कर रहे हैं कवि, जो बिल्कुल शांत हो गया, अंधेरा हो गया और अंधेरा शांत ऐसे लगता है जैसे चीलम के ऊपर में आग हो, वह गिर गया हो। तो ये कहने का ये पूरा कविता में क्या था, सारांश क्या था कवि का, जो एक पहाड़ है जो शाम के समय में दूर से देखने से क्या लगता है, आग के पास कोई बैठा हुआ, और माथे पर पगड़ी जो आकाश में सफेद हल्का सा दिखाई देता है सूरज के रोशनी से, तो उससे वो क्या बोल रहा है, जो माथे पर सफेद कोई पगड़ी बांधे हुआ है और वो अंगीठी जला करके चारों तरफ से भेर के जैसे बैठा हुआ है कोई। अंधेरा होता है, सूरज डूबता है, जैसे लगता क्या है, जो वो चीलम से आग गिर गया, लेकिन होता क्या है, सूरज तो नीचे, अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होने से अंधेरा हो जाता है। तो इसी घटना का वर्णन इस पाठ में दयाल जी सक्सेना जी करते हैं। तो आज का यही सामने किसान कविता था, फिर दूसरे दिन दूसरा पाठ लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।